धाकड़ खबर बेखौफ सुबह बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के नए सेगमेंट बात जनता की में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि अरोड़ा। दोस्तों, इस सेगमेंट में हम उन सवालों को उठाते हैं जिन पर आम तौर पर मीडिया शांत रहता है, चुप रहता है। आज हम बात करने वाले हैं ऐसी एक संवेदनशील विषय पर। बात शुरू करने से पहले मैं अपने मेहमानों से आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ हैं श्री एस के दारापुरी साहब, जो सीनियर आईपीएस अधिकारी हैं और रिटायर्ड हुए हैं और आईजी के पद से रिटायर हुए। आजकल लखनऊ में आपका प्रवास है। हमारे साथ हैं राजकुमार चौधरी जी, जो बहुत सीनियर एडवोकेट हैं और 29 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं और गाजियाबाद में डीजीसी यानी जिला शासकीय अधिवक्ता भी रहे हैं। इनके पढ़ाए हुए बहुत से बच्चे, बहुत सीनियर जजेस भी इस समय नियुक्त हो चुके हैं। हमारे साथ एक और मेहमान हैं, जाना पहचाना नाम डॉक्टर बदरुल जमा, जो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और इस समय समाचार प्लस के प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों की जानकारी में है कि हाल ही में दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक युवक और एक युवती ने अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। लड़के की 16 तारीख को भी हाल में 21 तारीख को डेथ हुई, 16 तारीख का ये वाकया है। और अब कल उस लड़की का भी देहांत हो गया। 85% लड़की जल चुकी थी। और हम लोगों को ये भी सबकी जानकारी में है कि घोसी के एक एमपी साहब, उन पर उस लड़की ने बलात्कार का आरोप लगाया था और एमपी साहब इस समय जेल में हैं। और बाद में 2019 का ये वाकया है, उस घटना के बाद 2020 में लड़की के खिलाफ एमपी साहब के परिजनों ने झूठा मुकदमा एक और दर्ज कराया, जिसके बाद से पुलिस ने गैर जमानती वारंट लड़की के खिलाफ जारी कर दिए और उसको भूमिगत होना पड़ा। और जब कहीं से उसे न्याय नहीं मिला तो उसने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के बाहर आकर आत्महत्या कर ली। दोस्तों, डेमोक्रेसी में एक आम आदमी के पास अपने बचाव का यही तरीका होता है कि वो अपनी शिकायत अधिकारियों के पास ले जाए, शासन प्रशासन से अपनी गुहार लगाए। नहीं होता तो फिर वो धरना प्रदर्शन करता है और तब उसके बाद भी जब सुनवाई नहीं होती तो वो अति पर उतर आता। ऐसी ही एक अति हमारे सामने अभी हाल ही में ये हुई कि उस युवक और युवती ने आत्महत्या कर ली। बहुत दुखद घटना है, ये कोई नजीर नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम सोचें कि समाज को इसी दिशा में आगे बढ़ना है, लेकिन एक निराश और हताश आदमी क्या करे, उसके पास रास्ता क्या बचता है। हम आप देख रहे हैं इस समय राजनीति और अपराधियों का जो गठजोड़ है और जिसमें तीसरा सिरा अप्रशासनिक अधिकारी जो जुड़े हुए हैं, खासतौर पर पुलिस के अधिकारी, तो बदमाश नेता और पुलिस जब तीनों मिल जाएं तो एक आम आदमी क्या करे, वो कहाँ जाए। और खासतौर पर अगर वो कोई युवती हो तो उसके लिए क्या बचने का तरीका है। हम देख रहे हैं संसद में हमारे आधे से ज्यादा अधिक लोग दागी पहुंच चुके हैं, जिन पर हत्या के प्रयास, लूट, डकैती, तमाम तरह के उनके खिलाफ इल्जामात हैं। उत्तर प्रदेश की भी ये स्थिति है कि यहाँ पर भी 116 लोग दागी हैं जिन पर इसी तरह के संगीन आरोप हैं। और खास बात यह है कि ये अधिकांश लोग जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, संसद में भी और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में। तो हम इसी मुद्दे पर आज बात करना चाहते हैं कि निराश आदमी कहाँ जाए, क्या करे, क्या उसके पास इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है कि वो भी कोई ऐसा ठिकाना ढूंढे और जहां पर वो अपने पर मिट्टी का तेल छिड़के, पेट्रोल डीजल छिड़के और आग लगा ले। विधानसभा के बाहर आपने देखा ये, संसद पर भी इस तरह की चीजें हुई हैं और अब हम देख रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय के बाहर भी ऐसा हो रहा है। तो मैं सबसे पहले अपने जो सीनियर एडवोकेट हैं हमारे राजकुमार चौधरी जी, उनसे जानना चाहूंगा। राजकुमार चौधरी जी, आपका इतना पुराना अनुभव रहा है, आप जिला शासकीय अधिवक्ता भी रहे हैं,
तो आप क्या देखते हैं, आपके पास अदालतों में कितने तरह के मतलब ऐसे लोग कितने फीसदी होते हैं जो पुलिस की या नेताओं की शिकायत लेकर आप वहां पर आते हैं और न्याय की गुहार अदालत से लगाते हैं? क्योंकि पुलिस के साथ सबसे बड़ी कमी ये है कि ये क्रीमी पोस्ट लेने के चक्कर में नेताओं के बहुत नजदीक रहते हैं, और नेता का कोई केस आ जाए तो ये इसमें बहुत ही मतलब लचीलापन आ जाता है। जबकि एक आईओ और एक पटवारी इतना महत्वपूर्ण होता है जिसको बहुत जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। अगर वो 161 के बयान जल्दी ले ले तो पीड़ित को कम से कम एक संतुष्टि हो जाए, अरे अगर किसी के खिलाफ कुछ बनता है अपराध और आप नहीं बना पा रहे हो, किसी भी कारण से नहीं बना पा रहे हो, तो आप फाइनल रिपोर्ट दाखिल कर दो ना, कोई बात नहीं, रीइन्वेस्टिगेशन हो जाएगा, कोई बात नहीं, कोर्ट कॉग्निजेंस लेगी, सेपरेट एविडेंस लेकर के ले सकती है, आपकी एफआईआर पे प्रोटेस्ट पिटीशन पे उस पर हियरिंग कर सकती है, बहुत तरीके हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है वो है देरी, कोर्ट में देरी से रिलीफ मिलता है, पुलिस में जल्दी रिलीफ मिल जाता है, और अच्छी पोस्ट के चक्कर में पुलिस वाले बायस, कम से कम रेप जैसे केस में, कम से कम वुमेन से संबंधित केस में, चाहे उनका मेंटेनेंस का हो, इवन मेंटेनेंस में आप समझ लीजिए कि समान आते रहते हैं, 125 के कुछ भी समान नंबर आते रहते हैं, शामिल नहीं होते समान। जहां तक ऐसे कॉग्निजिबल ऑफेंसेस का प्रश्न है जैसे रेप केस है, उसमें तो जो ऑफिसर्स हैं पुलिस के, जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, उनको जल्दी से जल्दी ऐसी मीटिंग्स करनी चाहिए और उनसे रिजल्ट चाहिए, डेट नहीं चाहिए, रिजल्ट चाहिए, डेट तो कोर्ट में बहुत है। अगर वो थोड़ा निष्पक्ष रूप से भी, मैं कह रहा हूं चलो पक्ष रूप से भी, निष्पक्ष ना करो, चलो कम से कम उसका इन्वेस्टिगेशन करके और उसको जल्दी से जल्दी सबमिट कर। दारापुरी साहब, आप आईजी के पद से रिटायर हुए हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस को आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं और इतनी ऊंचाई तक पहुंचने के कारण आपको पुलिस की पूरी वर्किंग मालूम है, आपको मालूम है किस तरह से उस युवती ने जिसने बलात्कार का मुकदमा दर्ज कराया था उसके खिलाफ जिस तरह से साजिश रची गई एमपी द्वारा, और लड़की ने जो बाद में खुलेआम आरोप लगाए कि वहां के एसएसपी, वहां के सीईओ, वहां के दरोगा, थाना प्रभारी, सब लोगों ने मिली भगत करके मुझे फंसाया है, और बहुत जल्दी जिस तरह से बिना जांच के उसके खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट भी इशू करा दिए गए और उसकी खोजबीन में पूरे पुलिस लगा दी गई पूरे प्रदेश भर की, तो आपको क्या लगता है कि क्या पुलिस का यही काम रह गया है कि नेताओं की चापलूसी करें और नेता जिसके खिलाफ चाहे उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दे, और अगर कोई जनता का कोई सामान्य आदमी अपनी को तहरीर लेकर जाए तो उसको सुबह शाम टहलाए, क्या यही वर्किंग रह गई है उत्तर प्रदेश पुलिस की? देखिए ऐसा है कि पुलिस की नौकरी में आने से पहले और नौकरी में आने के बाद एक चीज जो पहले भी मैंने देखी, नौकरी के दौरान भी देखी, कि पुलिस में रिपोर्ट लिखाना सबसे मुश्किल काम होता है। कोई आपके साथ कोई घटना हो गई है, आप थाने पर जाते हैं तो ये आसान नहीं है रिपोर्ट लिखाना, और हर एक के लिए संभव नहीं है, क्योंकि अगर मामला ऐसा है जिसमें कोई प्रभावशाली लोग इन्वॉल्व हैं, जैसे ये बलात्कार है या दूसरे इस प्रकार की बातें हैं, वहां पर दूसरी पार्टी अगर प्रभावशाली है, अगर राजनेता है तो फिर तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो सबसे पहले तो FIR लिखाना जो है ये बहुत मुश्किल काम होता है, और दूसरा ये है कि जैसा आपकी FIR नहीं लिखी गई तो आप 156(3) में जाते हैं, आप अदालत के माध्यम से रिपोर्ट लिखाने की कोशिश करते हैं, वहां पर भी अदालत से आदेश प्राप्त करना भी बहुत कठिन काम होता है, उसमें पुलिस की रिपोर्ट जाती है, और अगर जो जज साहब हैं अगर उनकी मानसिकता है कि हाँ भाई इसमें FIR दर्ज होनी चाहिए तो वो अनुमति दे देंगे, वरना वो आपके उस रिक्वेस्ट को वो रद्द कर देंगे। और इसके आगे आप बढ़िए, मैंने खुद देखा है या लखनऊ में जिले में देखा है कि 156(3) के आदेश के बावजूद भी
पुलिस FIR दर्ज नहीं करती है। ये एक बड़ी मतलब चिंता की और हैरानी की बात है कि अदालत के आदेश का अनुपालन भी पुलिस नहीं करती है, और दुर्भाग्य से जिस अदालत ने आदेश किया है वो भी इसकी मॉनिटरिंग नहीं करती कि उनके आदेश पर क्या कार्रवाई हुई है। तो सबसे बड़ी दिक्कत तो ये FIR दर्ज कराने की आ जाती है, और दूसरा अगर FIR दर्ज हो भी गई उसमें फिर तफ्तीश की बात आती है। तफ्तीश में जो कहा तो ये जाता है कि पुलिस निष्पक्ष तौर पर तथ्यों को इकट्ठा करे, साक्ष्यों को इकट्ठा करे, जो आरोपी है या जो शिकायत करता है उनके बयान ले और बाकी साक्ष्य इकट्ठा करे, अगर उसमें बनता है तो उन सब साक्ष्यों को के आधार पर वो चार्जशीट लगाए, अगर नहीं बनता तो वो फाइनल रिपोर्ट लगा दे, अंतिम रिपोर्ट लगा दे। परंतु इसमें भी तफ्तीश के दौरान भी तमाम प्रकार की तिकड़में होती हैं। प्रभावशाली आदमी है तो वो उसको डराने की कोशिश करता है, और अगर वो उसने दे भी दिया तो उसको इतने समय तक लटकाते हैं, ये इतना परेशान करते हैं कि जो शिकायत करता है वो आसानी से बयान ना दे हो पाए। आप उत्तर प्रदेश का आप देखिए, उन्नाव का जो सेंगर वाला मामला था, किस प्रकार से वो जो लड़की थी जिसके साथ बलात्कार हुआ, उनको FIR दर्ज कराने के लिए मुख्यमंत्री के बंगले के सामने आत्मदाह वाली मतलब एक कोशिश करनी पड़ी थी, और तब जाके वो सेंगर जो विधायक है उनके खिलाफ जो FIR दर्ज हुई थी। तो अगर FIR दर्ज हो जाए फिर तफ्तीश की बात है। तफ्तीश में पुलिस की पूरी कोशिश होती है कि ये अपने बयान से मुकर जाए, गवाह अपने बयान से मुकर जाए, और जो वादी है वो भी मतलब आसानी से उसकी पूर्ति ना करे जो उसने आरोप लगाया है। तो अगर ये अच्छा, फिर उसके गिरफ्तारी की बात आती है। वैसे तो देखिए सुप्रीम कोर्ट बार बार कहती है कि गिरफ्तारी तभी करनी चाहिए जब आप पहले साक्ष्य वगैरह एकत्र कर लें हो जब, परंतु होता ऐसा है कि अगर जो अक्यूज्ड है वो कमजोर है और शिकायत करने वाला मजबूत है तो पुलिस कोई भी साक्ष्य एकत्र करने से पहले सबसे पहले उसकी गिरफ्तारी करती है, गिरफ्तारी करके उसको जेल भेज देती है। अगर वो प्रभावशाली आदमी तो उसकी गिरफ्तारी नहीं होती, उसको तमाम मौका दिया जाता है, आप अपनी अग्रिम जमानत करा लो, आप ये कर लो वो कर लो, जो सारा किया जाता है। तो ये जो पुलिस की जो प्रक्रिया है उसके अंदर जो वादी है अगर वो साधारण अभ्यक्ति है तो उसके लिए पुलिस के स्तर पे कार्रवाई करवाना बहुत मुश्किल होता है। जैसा इस मामले आप देखिए, अब शायद लड़की ने जिसके साथ रेप हुआ था उसने शायद 156(3) के बाद ही उसकी FIR दर्ज 2019 में हुई थी, और उसमें तफ्तीश में काफी समय लगा, चार्जशीट लगी, और एक इस समय और हो गया है। पहले ऐसा बहुत कम होता था कि जो अक्यूज्ड है वो क्या करता है, वो आरोपी पर ये क्रॉस केस कर देता है और उसमें और पुलिस खुशी खुशी उसको फट से दर्ज कर लेती है। अच्छा आप ये देखिए कि अभी ताजा घटना जो इंदौर वाली है जिसमें वो मारपीट की गई, वो लड़का जिसके साथ मारपीट की गई उनके खिलाफ बड़ी मुश्किल से केस दर्ज हुआ, और उल्टा उस लड़के के खिलाफ भी केस दर्ज हो गया कि वो छेड़ने वाला मतलब हो गया, वो तब हुआ कि जब अक्यूज के खिलाफ केस दर्ज। ऐसे ही जो है ये जो क्रॉस केसेस वाला है पुलिस उसमें ज्यादा दिलचस्पी लेती है, जो पहला केस होता है उसमें कम लेती है और क्रॉस केस हो जाता है उसमें ज्यादा लेती है। इस मामले में भी जैसे हुआ कि उस लड़की केस दर्ज हो जाने के बाद, बलात्कार का केस दर्ज होने के बाद उसके खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज करा दिया गया, और धोखाधड़ी के केस में पुलिस उसको गिरफ्तार करने के लिए पूरा जोर लगा दी, उसके खिलाफ जो है नॉन अवेलेबल वारंट करा दिया। वो अब वो वैसे तो बेहतर होता कि वो लड़का या लड़की जो भी थे वो अपने पुलिस के सामने हाजिर हो जाते और अपना बयान दे देते, परंतु कई बार आदमी डर जाता है क्योंकि उसको पुलिस में विश्वास नहीं होता कि पुलिस न्यायपूर्ण कार्रवाई करेगी, और वो लड़का लड़की उसी चक्कर में अपना भाग रहे थे, छुप रहे थे, और आखिरकार जब उन्होंने देखा कहीं से उनको राहत नहीं मिली, उन्होंने सब जगह दरखास्त दी, सारा कुछ किया, तो उन्होंने असहाय होकर मायूस होकर जो है फिर ये मतलब कदम उठाया जिसमें उनकी मौत हो गई। तो ये हमारी जो प्रक्रिया है जो जिसको जुडिशियल सिस्टम कहते हैं ये आम आदमी के पक्ष में नहीं है, ये मैं तो कहूंगा कि आम आदमी के खिलाफ है, क्योंकि आम आदमी को इसमें आसानी से न्याय नहीं मिलता है। ये बहुत सारे मामलों में देखा गया, वो आशाराम बापू के मामले में देखा गया, जी, जी। कैसे वो लड़की को उनको केस दर्ज कराने के लिए उसके बाद
फिर अपना बयान दर्ज कराने, अदालत में फिर पैरवी करने में कितनी कठिनाई है। तो हमारी इस समय जो व्यवस्था है वो उसको आप आम भाषा में कहे तो वो जन विरोधी हो गई है, वो दबंगों के पक्ष के साथ खड़ी है, राजनेताओं के साथ खड़ी है। और दुर्भाग्य से हमारी जो सरकारी मशीनरी है इस मामले में पुलिस जो है वो भी मजलूम के साथ खड़ा ना होकर वो जो दबंग है उसके साथ खड़ी दिखाई देती है, जो कि यहाँ कानून का राज नहीं, कानून के सामने समानता नहीं है। हम कहते हैं रूल ऑफ लॉ कल्टी फॉर लॉ, व्यवहार में ऐसा कुछ भी नहीं है, जिस कारण मजूस होकर कुछ लोगों को इस प्रकार का कदम उठाना पड़ता है, जो हमारे पूरा जो सिस्टम है उस पर एक बहुत बड़ा धब्बा है कि आदमी न्याय जब नहीं मिलता तो मजूस होकर अपनी जान ले लेता है। जी जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने, और बड़ी बेबाकी से आपने एक तरह से कहें तो पूरे विभाग की, पुलिस विभाग की पोल ही खोल दी है। और जो आपकी बातों से तो बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि पूरा आवा का आवा बिगड़ा हुआ है और पुलिस की वर्किंग में सुराख ही सुराख हैं। और शायद यही वजह रही होगी, जैसे आपने कहा वो युवक युवती को जाकर बयान देने चाहिए थे, लेकिन जिस तरह से SSP और CEO तक अधिकारी उनको धमका रहे हों, जैसा कि चीजें निकल कर अब आ रही हैं, ऐसे में न्याय की उम्मीद भी किससे करें। MLA MP की सुनवाई नहीं होती है, मुख्यमंत्री से नीचे अगर आपकी कोई जान पहचान है तो आपका काम नहीं होता है, ऐसे हालात में आदमी के पास रास्ता ही क्या बचता है। मैं इसकी बिल्कुल वकालत नहीं करता कि ये जो कृत उन्होंने किया ये बहुत सही कदम था, इसकी मजम्मत होनी चाहिए, लेकिन बात तो फिर घूम फिर कर वहीं आती है कि एक आम आदमी के पास रास्ते ही कितने बचे। डॉक्टर जमा, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपका तो बड़ा जबरदस्त एक्सपीरियंस रहा है, आपने थाने की रिपोर्टिंग से लेकर अदालतों की रिपोर्टिंग और नेताओं के कार्यक्रमों की भी कवरेज काफी की है, और विभिन्न समाचार पत्रों से होते हुए आप ये इतने बड़े टीवी चैनल तक पहुंचे हैं, आप किस तरह से देखते हैं इस घटना को? क्या आपको आपको भी लगता है कि ये नेताओं और बदमाशों और पुलिस के गठजोड़ से इस ये युवक युवती की हत्या हुई है, ये आत्महत्या नहीं, ये हत्या है? दारापुरी जी ने वाकई जिस बेबाकी से बात कही और पूरा सिनेरियो इन्होंने एक्सप्लेन किया, बहुत कुछ कहने सुनने की गुंजाइश अब और किसी के लिए बचती नहीं है, क्योंकि उन्होंने पूरा जिस नेक्सस की बात जो सत्यम राय ने जिस अपने अपने आप को जलाने से पहले, आत्मदाह से पहले जिस नेक्सस की बात की थी उसने कि हम लोग एक नेक्सस में फंस गए हैं, उसी नेक्सस को आपने एक्सप्लेन किया है बेसिकली। और वाकई कोई इस तरह से अगर नेक्सस में फंस जाएगा तो फिर उसके पास दो ही चीजें बचती हैं कि या तो वो सरेंडर कर दे, अपने हालात से समझौता कर ले, वो पैरों में जाके गिर जाए, केसेस वापस ले ले, और अगर उसके पास सम्मान है, आत्मसम्मान है, और उसकी अगर वो रक्षा करना चाहता है तो फिर उसके सामने एक ही विकल्प बचता है कि लड़े। लड़े तो किसके खिलाफ लड़े? यहाँ जो सामने है वो अकेला नहीं है बल्कि एक पूरा सिस्टम है, उस सिस्टम में खुद आरोपी है, उसके साथ पुलिस है, उसके साथ जुडिशरी है, राजनीति है, और उसके साथ कहीं ना कहीं एक पूरा एक जो सोशल जो ताना बाना होता है वो भी कहीं ना कहीं उसके साथ होता है। उसके पास आज की तारीख में मीडिया भी है, सोशल मीडिया भी है, तो ये जो मिल करके ये बड़ा एक सशक्त शत्रु बन जाते हैं जिनसे मुकाबला कर पाना आम इंसान के बस की बात नहीं है। और वो दोनों ही, वो लड़की और लड़के का दोस्त, हालांकि वो छात्र संघ में रहा है, वो जो है यूपी कॉलेज में, तो छात्र संघ में रहने वाले लोग जनरली बड़े जीवट होते हैं, इसीलिए वो अब तक उसने लड़ाई भी लड़ी और ये जो 2-3 साल का जो वक्त है 2018 से लेकर के 2021 तक का वो उसमें डटा रहा। लेकिन चूंकि सामने, जैसा कि मैंने कहा कि जो यहाँ पर जो शत्रु था, जो दुश्मन था उनका, जिससे उनकी लड़ाई थी, वो बड़ा सशक्त था, अतुल राय खुद जो है वो MP, दूसरे जो उनको तथाकथित जो उस वीडियो में जिस तरीके से बात की जा रही है कि जिन लोगों के सपोर्ट की बात की जा रही है, उसमें वाराणसी के उस वक्त SSP थे अमित पाठक, इसके अलावा अमिताभ ठाकुर की छवि एक बड़े ईमानदार अधिकारी के रूप में होती है, और कहीं ना कहीं उस ईमानदारी का खमियाजा भी उन्हें इसीलिए भुगतना पड़ा, उनको जबरिया रिटायर कर दिया गया। लेकिन वो भी उस अगर मरने वाले जो लोग थे, जो पीड़ित पक्ष था, अगर उनका जो आखिरी बयान है और उसको एक विटनेस माना जाए, तो उस विटनेस के मुताबिक जो उनका एक बालिया जो बयान है उसमें उन्होंने साफ कहा है कि वो भी उस नेक्सस का हिस्सा है।
तो इसका मतलब ये है कि जब इस तरीके का नेक्सस क्रिएट होता है तो उसमें न सिर्फ बेईमान किस्म के लोग बल्कि जो कहीं ना कहीं ईमानदार हैं वो भी उस नेक्सस में शामिल हो जाते हैं, चाहे वो अपनी मर्जी से किसी लाभ हानि के लिए हो या फिर मजबूरन हो गए हो। लेकिन अगर मजबूर भी हो करके वो उस नेक्सस का हिस्सा हो गए हैं और जो न्याय की प्रक्रिया है उसके खिलाफ जाकर के खड़े हो गए हैं या खिलाफ खड़े लोगों में जाके शामिल हो गए हैं, तो ये भी एक तरीके की बेईमानी है। इसको फिर ईमानदार का तबका लेकर के घूमने से कोई फायदा नहीं है और ना ही अब ईमानदारी का तबका उनको दिया जा सकता है, क्योंकि वो जिस पद पर थे वो एडीजे जो है एडीजी के पद पे थे उस टाइम पे, उनको खिलाफ खड़े होना चाहिए था। सिर्फ उनकी मौजूदगी भर से अगर वो खिलाफ खड़े होते तो शायद ये पूरा सिनेरियो चेंज हो गया होता, क्योंकि एक आईपीएस जो कि इतने सीनियर लेवल पे था अगर वो इन लोगों का साथ देता तो मुमकिन है कि आज तस्वीर दूसरी होती, दोनों ही जो है वो लड़का लड़की दोनों आज जिंदा होते और न्याय की प्रक्रिया में अपनी लड़ाई आगे लड़ रहे होते। तो ये तो सिर्फ देखिए एक एग्जाम्पल है जिसने हम सब लोगों का ध्यान खींचा है, हम लोगों को इस पे बहस करने के लिए एक मौका एक मुद्दा दिया है। लेकिन ये सच है, दरअसल ये मुद्दा किसी एक केस का नहीं है बल्कि पूरे भारतवर्ष में है, और जब हम सभी के लिए एक समान न्याय की बात कर रहे हो उस टाइम पे इस तरह की घटनाएं कहीं ना कहीं हमें झकझोर देती हैं कि क्या वाकई ये जो समान न्याय और सुलभ न्याय है वो एग्जिस्ट करता है या सिर्फ ये कोरी किताबी बातें हैं। आपने बहुत अच्छी बात की डॉक्टर जमा कि न्याय कमजोर नहीं है, लोग कमजोर है, और मुद्दों पर समाधान तो दूर बात करना भी नहीं चाहते, बचना चाहते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं ये जो घटना हुई है इसमें 16 तारीख का ये घटना है जब बच्चों ने उन्होंने आग लगाई, दोनों ने, आज 10 दिन पूरे हो गए हैं और ये पूरा मुद्दा मीडिया से गायब है, मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब है, यानी हम इस पे चर्चा करने से भी बच रहे हैं। न्याय की ओर आगे बढ़ना तो बहुत दूर की बात है, इस पे हम बात भी करना नहीं चाह रहे। मुझे नहीं मालूम मेन स्ट्रीम मीडिया की क्या मजबूरी है, लेकिन हमारी कोई मजबूरी नहीं है, हम इस पर बात भी करेंगे और समाधान के लिए लोगों से राय लेकर ऊपर तक पहुंचाने की भी कोशिश करेंगे। हमारा इतना ही कर्तव्य है और इसको हम बिल्कुल बखूबी निभाने की कोशिश करेंगे। आज मेहमानों ने बहुत अच्छी बातचीत की, मुझे लगता है बहुत कुछ रोशनी हमारे दर्शकों को भी इससे मिलेगी और कम से कम इतना संबल तो मिलेगा कि कुछ लोग अभी भी समाज में ऐसे हैं जो इन मुद्दों पर बात करते हैं, बेबाकी से अपनी राय रखते हैं और हमें समाधान भी सुझाते हैं। अपने मैं मेहमानों से विदा लेता हूं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया दारापुरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जमा, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार जी। हम फिर मिलेंगे किसी और नए मुद्दे के साथ और जनता को अपनी तरफ से जो भी हमसे बन पड़ेगा जागरूक करने का उसकी कोशिश करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।